हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माधवीज फ्यूजन किचन। अभी होली का त्यौहार आने वाला है। होली के दिन लोग एक दूसरे का मुंह मीठा करवाते हैं। कभी कभी मीठा या स्वीटनेस ओवरलोडेड हो जाने से बोरियत होती है या फिर काफ़ी मोनोटोनस लगता है, इसलिए मुंह का जायका बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी भी डिश होनी ज़रूरी होती है दोस्तों, ताकि आप मिठाई को ना नहीं कह सके। नाउ जोक्स अपार्ट, आज मैं एक बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी को एक ट्विस्ट के साथ बनाने वाली हूँ, जिसे आप बार बार बनाना और खाना पसंद करेंगे। मेरी आज की रेसिपी है दही गुजिया। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कि मेरी इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्रियों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले मैंने लिया है ब्रेड एक लोफ, स्लाइसेस में कटी हुई, उड़द दाल का पाउडर हाफ के जी, दही हाफ के जी, शक्कर 4 से 6 बड़े चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून, काला नमक 2 टेबलस्पून, गोल मिर्च 8 से 10 दाने, भुना हुआ जीरा का पाउडर 2 टेबलस्पून, नमक स्वादानुसार, गुड़ 150 ग्राम, गुलकंद 4 से 6 टेबलस्पून और आखिर में इमली का गूदा 2 से 3 बड़े चम्मच। सबसे पहले उड़द दाल के पाउडर में पानी डालकर 2 घंटे के लिए रखें, फिर वाटर सोक दाल के पाउडर को और गोल मिर्च को एक ग्राइंडिंग जार में डालें और 1 कप पानी डालकर महीन पीस लें। अब दाल के इस मिश्रण को एक बोल में ट्रांसफर करें। अब इस मिश्रण में स्वादानुसार नमक और पर्याप्त पानी मिलाकर एक स्मूथ बैटर बना लें। अब एक चॉपिंग बोर्ड पर ब्रेड के स्लाइसेस को रखें और उनके किनारों को एक चाकू की मदद से काट लें। अब एक बेलन की मदद से ब्रेड के स्लाइसेस को पतला बेल लें और एक कटोरी या कटर की मदद से एक गोल शेप दें। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ब्रेड की स्लाइस कितनी पतली हो चुकी है। अब आप इस ब्रेड के बीच में एक छोटा चम्मच गुलकंद रखें और उंगली में पानी लगाकर ब्रेड के किनारों को गीला कर लें। अब इसे हाथ से दबा दबा कर सील कर दें। आप देख सकते हैं कि मोड़ने के बाद ये बिल्कुल गुजिया की तरह दिख रहे हैं। अब सारे स्लाइसेस को इसी प्रकार गुजिया के शेप में ढाल लें। इसी बीच एक कढ़ाई में तेल गर्म करें, एक एक गुजिया को उड़द दाल के घोल में डुबोएं और फिर गर्म तेल में सावधानी से डाल दें। जब एक तरफ सुनहरा हो जाए तो पलट कर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक इन्हें तलें और फिर तेल से निकाल कर रखें। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसी तरह से सारी गुजियाओं को तैयार कर लिया है। अब दही गुजिया पर डाले जाने वाली इमली की मीठी चटनी के लिए एक फ्राई पैन में 1 कप पानी, गुड़, इमली का गूदा, 1 चुटकी नमक और 2 छोटी चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर डालकर करीब 8 से 10 मिनट तक पकाकर इसे तैयार कर लें। अब हम दही गुजिया के लिए दही को सीजन करेंगे, जिसके लिए एक बोल में आप उतनी ही दही लें जितनी आपको सर्विंग्स के लिए ज़रूरी हो। मैंने यहाँ 4 टेबलस्पून दही को सीजन किया है। इसके लिए दही में 1 चुटकी नमक, 1 टेबलस्पून शक्कर और 1/2 टीस्पून काला नमक डालकर अच्छे से मिलाया है। अब एक बड़े से पतीले में पानी उबालें। जब पानी उबलने लगे तो एक एक करके फ्राई किए हुए गुजियों को इसमें डालें और कुछ सेकंड्स के लिए पानी में रहने दें। फिर उन्हें पानी से निकालें
और पानी निचोड़कर उन्हें सर्विंग प्लेट पर रख दें। अब इन तैयार गुजियों को दही से अच्छी तरह से ढक दें और उन पर इमली की चटनी डालें। इसके बाद बारी बारी से इन पर लाल मिर्च का पाउडर, भुने जीरे का पाउडर और काला नमक डालकर परोसें। इमली की चटनी बनाते वक्त भी दोस्तों हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वो ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो और ना ही बहुत ज़्यादा पतली हो। उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल वीडियो में दिखाए गए चटनी की कंसिस्टेंसी की तरह ही होनी चाहिए। तो दोस्तों हमारा दही गुजिया तैयार है और वो भी बिल्कुल इनोवेटिव स्टाइल में। तो आप भी इसे बनाएं, खुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप अपने फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।